वेल well, तो जी जब आप लोगों को दो वर्सटाइल एक्टर्स एक पर्दे पर देखने को मिल रहे हों तो वो क्या ही नजारा होता है आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्सटाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आई रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे आनन्त नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारे ही स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव राणागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन को हैंडल किया सिनेमेटोग्राफी को साई श्रीनाम ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस आया नहीं वेल तो जी जब आप लोगों को दो वर्सटाइल एक्टर्स एक पर्दे पर देखने को मिल रहे हो तो वो क्या ही नजारा होता है आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्ड स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जयशुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाएगी दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुवाद करें इस मूवी की यहां पर सारे के सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर कर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आई रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है। उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफ़ी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये मूवी मूवी रही रही है है इनकी ये रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जेशु शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना i get yep बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61% तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें इस मूवी की यहां पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे आनन्त नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुबा करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेम ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की के क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं आएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कदमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव राणागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी नहीं या कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें जनरल की तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस में आप लोगों को क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हां ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेम ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये ये किस किस लैंग्वेज लैंग्वेज में में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारे

एक नहीं बल्कि दो दो वर्ड स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इंपॉर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जेशु शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाएगी दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना आगे है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं या कुछ भी लेंथी नहीं घंटे मिनट के के राउंड अबाउट इस मूवी मूवी की की टाइम टाइम है जो कि एवरेज सी और सी की इतनी टाइम होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस में आप लोगों को क्राइम, अच्छी मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोगों एक चांस देंगे तो आप लोगों का स्टोरी लाइन तो को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्य देवर नागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया सिनेमाटोग्राफी को साई श्री राम ने संभा अच्छे तरीके से संभाला गया है तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं वेल तो जी जब आप लोगों को दो वर्सटाइल एक्टर्स एक पर्दे पर देखने को मिल रहे हो तो वो क्या ही नजारा होता है आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्सटाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे आनन्त नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं आएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कदमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव राणागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया है।

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाएगी दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना i get yep बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव देवर वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन को हैंडल किया

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे है वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है और अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारे ही स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव और नागवामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन को हैंडल किया सिनेमेटोग्राफी को साई श्रीनाम ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं वेल तो जी जब आप लोगों को दो वर्सटाइल एक्टर्स एक पर्दे पर देखने को मिल रहे हो तो वो क्या ही नजारा होता है आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्थ स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इंपॉर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येषुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना आगे है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर कर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61% तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहां पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये रही है, इनकी ये ये मूवी मूवी रही रही है है और बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारे के सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी

आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूँ जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्ड स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है। उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जयशुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाएगी दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफ़ी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कदमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव और नागवामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जेशु शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्योरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हां ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी फाइनली ये कहां पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमअल्ला ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारे

आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्थ स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इंपॉर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आई रेटिंग की तो 6.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना आगे है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेम ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे आनन्त नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अन बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61% तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहां पर सारे की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारे

एक नहीं बल्कि दो दो वर्ड स्टाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इंपॉर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना i get up बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं आएगा तो डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा उसी के साथ हम बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन की तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है जी वैंकी कदमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्यदेव राणागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजीली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं

चांस आया नहीं वेल well, तो जी जब आप लोगों को दो वर्सटाइल एक्टर्स एक पर्दे पर देखने को मिल रहे हो तो वो क्या ही नजारा होता है आप लोगों को एक ऐसी मूवी लेकर आज सामने हुआ हूं जिसमें आप लोगों को एक एक नहीं बल्कि दो दो वर्सटाइल एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूं आईएमडीबी रेटिंग की तो 6.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो येशुसेन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाएगी दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना आगे है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अनुवाद करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आप लोग अगर इनकी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर कर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहां पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेन की कि क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है तो जी

बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं अनुवाद करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमल्लो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी फाइनली ये कहां पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं

यहाँ पर आप लोगों को रश्मि का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई रेटिंग पर क्योंकि आई रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से सिक्सटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो ये शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे आनन्त नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो नहीं कुछ भी लेंथी नहीं घंटे मिनट के अबाउट इस मूवी मूवी की की टाइम टाइम है जो कि एक सी और सी की इतनी टाइम होनी चाहिए बाकी उसी बात करें जैनर की तो जैसा क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अन बात करें इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकी कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर है किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत

यहाँ पर आप लोगों को रश्मिका का मंदना देखने को मिलेंगे एंड नितिन देखने को मिलेंगे ये दोनों ही अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो इन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है कोई भी मूवी ले लें इनकी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाते हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी इस काबिलियत से वाकिफ़ हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है एंड आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इन्हीं की एक बहुत अच्छी मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाँ यार ये ऐसी मूवीज़ थी इनकी ये मूवी रही है इनकी ये मूवी रही है और बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं इनकी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही एक रोमांटिक सी मूवी बनाई गई है जिसमें आप लोगों को रोमांस एक्शन कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एंड वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बाकी अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ नहीं देखना पसंद करते साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल से कोई और वीडियो उठाकर देख सकते हैं या फिर आप लोग कोई और सर्च कर लीजिए आप लोगों को मिल जाएगी बाकी यहाँ पर हम भीषमा के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी भीष्मा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग पर क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंस हो रखती है तो आजकल के दौर की इम्पोर्टेंस के देखते हुए मैं आई रेटिंग की सबसे पहले बात करूँगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ आई रेटिंग की तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 61 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एज़ अ लीड एक्टर आप लोगों को नितिन और रश्मिका मंदना देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है बाकी अगर हम बात करें और एक्टर्स की तो जेशु शुसैन गुप्ता देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ अवंतिका मिश्रा देखने को मिल जाएंगे अनंत नाग देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करेंगे इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या अगर हम बात करें टाइम डोरे की कि क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है तो जी नहीं ये कुछ भी लेंथी नहीं बनाई गई दो घंटे पच्चीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेन होनी चाहिए बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को एक्शन क्राइम रोमांस कॉमेडी ये सारा कुछ देखने को मिलेगा तो हाँ ये काफी अच्छी मूवी बना आई गई है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन की क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी वैंकि कोदेमलो ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ इन्होंने पास्ट में एक मूवी दी थी जिसका नेम था जी चलो एंड वो भी काफी अच्छी रही थी एंड ये मूवी बनाई है अभी इन्होंने भीष्मा वो भी काफी अच्छी रही है आप लोग इनकी सारे के सारी की सारी मूवीज देख सकते हैं बहुत अच्छी रही है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे कि ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी आप लोगों के करीबी आप लोग इसे देख सकते हैं जी नेटफ्लिक्स पर जी हाँ आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर इजिली जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है एक एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है अगर आप लोगों उसी के साथ तो कुदुमल्ला ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सा... यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है प्रोडक्शन में आप लोगों को सूर्य देवर नागा वामसी देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोडक्शन को हैंडल किया सिनेमाटोग्राफी को साई श्री राम ने संभाला जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया है तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस आप लोगों का ये डिजर्व करती है आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का चांस जाया नहीं